में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेढ़ी। समांतर श्रेढ़ी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और यह वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है, इसलिए आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तब भी आपके लिए यह हेल्पफुल है, और अंग्रेजी के छात्र हैं तो भी उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि यह हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है। आइए हम लोग देखते थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 9 तक बताया गया था, या 5.3 का जो है 9th नंबर तक का जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम बताए थे उनमें। अब हम आज जो आप बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेढ़ी का 10वें नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आज जो बताने जा रहे हैं पहला 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10वें नंबर के क्वेश्चन में दिया है दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN डैश से एक एक बनाती है एपी, एक एपी बनाती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। सो दैट अंग्रेजी वाले सो दैट A1, A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट फ्रॉम एन AP फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN को डिफाइंड कर दिया गया है, मतलब AN दे दिया गया है। AN कितना है तो 3 + 4N है। AN कितना यहाँ दिया है 9 - 5N है, क्या होगा 9 - 5N होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि AN आपको दिया है, यहाँ N की वैल्यू पुट करना है, क्या करना है N की वैल्यू। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इस केस में भी दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस केस में भी, इस केस में भी, इसके 15 टर्म तक निकाल करके आपको क्या करना है 15 टर्म का जो है सम फाइंड करना है, और इस पर आपको AP का निर्माण करना है AN, ठीक है। तो क्या करना, सॉल्यूशन एक नंबर में जाएंगे, एन बराबर क्या मान ले लेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ले लिए, ठीक है। एन का मान तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना एन के मान लिए बन नहीं सकता। तो एन का मान आप ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो AN का AN दिया है, फार्मूला क्या दिया है एक नंबर में, क्वेश्चन क्या दिया गया है AN बराबर 3 + 4N, यह क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन के आधार पर अगर एन के जगह पर यहाँ जो एन है इसके जगह पर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, तो पहला रखें एन के जगह पर हमने क्या सब माना था 1, 2, 3, 4, 5, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले जो है A1 निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म। A1 को क्या कहते हैं, A1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं, A2 को क्या कहते हैं सेकेंड टर्म कहते हैं, A3 को क्या कहते हैं थर्ड टर्म कहते हैं, ठीक है। तो A1 पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद A2 निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे। तो A1 निकालेंगे तो N के जगह पर क्या सब लिए 1, 2, 3 लिए, ठीक है। उसी तरह से N के जगह पर जब 1, 2, 3 लिए तो जहाँ जहाँ N होगा तो AN, तो AN के बदले तो ये सब हो गया, ठीक है। अब 3 + 4N को 4N में N का वैल्यू रखना है, तो 3 जैसे है उतार दिए, प्लस है, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4N की वैल्यू क्या है N का मान 1 है, तो 4 × 1 + 3 कितना होगा 4 × 3 = 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर से 3 ले लिए, इसमें 2 लेना है ना N का मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ N का मान 1 लिए, 2 लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ N है ना, N के जगह पर 1, 2, 3 ले लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 8 = 3 = 11, यहाँ 11 लिख दीजिए, फिर 4 + 3 लेने के बाद N का मान 3 लेने के बाद 4 × 12 = 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और AP का निर्माण हो गया। AP बराबर क्या हो गया 7 हुआ 11 हुआ 15 हुआ डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने AP का निर्माण कर लिया। जब AP का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, A कितना होगा फर्स्ट टर्म कितना है 7 आया, D कैसे निकालते हैं 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और कितने टर्म्स तक कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ 15 टर्म्स तक का देखिए ना लिखा था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी एन कितना दिया 15, एस 15 का निकालना था, यहाँ एन हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा एन हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एस 15 का निकालना है हमको, एस 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है। एस 15 मतलब क्या हुआ 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का तो एन बराबर 15 रख देंगे, एन यहाँ रख दिए 15, फार्मूला होता है एस एन का, क्या फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब एन के जगह पर क्या रखिएगा, एन 15 है 15 रख दीजिए, और फिर एन के जगह 15 रख दिए, डी के जगह पर क्या रखिएगा 4 रख दिए, ए के जगह पर 7 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 15 रख दिए, 15/2 हो गया, हम 2 × ए के जगह पर कितना रख दिए 7 रख दिए, फिर एन के जगह 15 - 1 हो जाएगा, और फिर × 4 हो जाएगा, ठीक है। डी के जगह पर 4 है तो हम 4 ही रखेंगे, डी के जगह पर क्या है यहाँ 4 है, यहाँ तो डी है तो यहाँ भी 4 होगा कि नहीं। चलिए अब क्या है कि 15/2 है और 2 × 7 है, तो ए के जगह पर 7 था तो 7 रख दिए, ए के जगह पर 7 रख दिए, यहाँ रख दिए 7 यह, ठीक है। उसके बाद 2 × 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 में 4 का गुना कर देंगे 14 × 4 = 56 हो जाएगा, यानी 14 × 4 = 56 हो जाएगा।
तो यहाँ 14 हो गया, 56 हो गया, दोनों को एड अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 15 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 2 से इसको काट दिए 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 15 को 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 525 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से इस तरह का ए एन का वैल्यू अगर दिया हुआ, ए एन का जो आपको दिया गया है या जो कंडीशन दिया है ए एन बराबर 3+4 है, इसको फॉलो करते हुए जब हमने ए पी को फाइंड किया तो उसके बाद जब S15 निकालना था, S15 ही तो निकालना था, फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना था, सम निकालना था, तो निकाल दिए आसानी से निकल गया। उसी तरह हमको क्या करना है, इसका भी निकालना है। ए एन बराबर क्या है, एन माइनस 9-5n है, क्या है n-5n है, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर n-9-5n लिख लिए, 9-5n अगर लिख लेते हैं तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसमें a1 a2 a3 किए थे, इसमें भी a1 a2 a3 करेंगे, a4 भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो अब क्या है, a1 बराबर क्या होगा, यहाँ दिया हुआ आपको 9 है -5n है कि नहीं, तो 9 तो सब में रहेगा, 9 तो सब में रहेगा, केवल n की वैल्यू को हमको क्या करना है, n जहाँ जहाँ होगा, जैसे इसमें n है तो n यहाँ शुरू में है, तो n अगर शुरू में है तो यहाँ शुरू में है तो यहाँ 1, 2, 3, 4 लिए, तो उसी तरह यहाँ भी n है तो 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई में ले लेंगे, 9-5n है तो ठीक है उसी तरह मल्टीप्लाई कर, 9-5n रहे ना, तो 9-5 मल्टीप्लाई एन के जगह पर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 1 जो 5, 9 में से 5 माइनस चला जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, तो फिर 9 यहाँ 5 2 जो 10 हो जाएगा, 9 में से 10 गया तो -1 हो जाएगा, फिर 9 में से क्या चला जाएगा 15 3 जो 15 होता है, 9 में से 15 चला गया तो -6 हो जाएगा, और 5 4 जो 50 20 होता है, और 9 में से 20 चला जाएगा -20 चला जाएगा तो -11 हो जाएगा, और इस प्रकार से एपी का आपको निर्माण हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा, एपी 4-1 -1 है, -6 है, -11 हो जाएगा, ये 4 है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसमें 4, इसका a1 कितना निकला 4 निकला, इसका -1 निकला, इसका कितना -6, इसका निकला -11 निकला, तो ये एपी का निर्माण कर लिए, इससे एपी निर्माण हो गया। तो ए क्या हो जाएगा आपको, ए कितना हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा 4 या 4 दिया हुआ, डी कितना है, डी कैसे निकालेंगे तो बता दिया, तो नेक्स्ट अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते, तो -1 में से किसको -4 कर देंगे तो -5 हो जाएगा। एन कितना है, एन बराबर आपको 15 टर्म्स का निकालना, यहाँ दिया हुआ 15 टर्म्स का निकालना, कितना टर्म्स का 15 टर्म्स का, यानी सम निकालना, क्या निकालना सम निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 2a+n-1 d, n आपको दे दिया हुआ है, और उसके बाद a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, d का वैल्यू, n का वैल्यू 15 दिया हुआ है, d का वैल्यू -1 दिया, इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, जिस प्रकार से इसको बनाया गया उसी तरह इसको बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है, एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन कितना दिया गया, पहले तक कहा था एन पदों का योग आपको दे दिया गया, प्रथम पद आपको निकालना है, यानी S1 निकाला, प्रथम पद कहिए S1 कहिए, अगर हम कहते हैं 2 है 4 है 6 है सबको जोड़ना है, तो पहला पद का योग 2 कहिए या फर्स्ट टर्म कहिए एक ही बात है, अगर हम दूसरे टर्म की बात करते हैं तो 2 और 4 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ये दोनों को जोड़ते हैं 6 हो जाता है, उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही तो निकलेगा, यानी सेकेंड टर्म निकल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो इसी तरह से आपको आगे निकालना है, तो कह रहा है कि S1 निकल गया प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग निकाल देंगे, ठीक है, तो दो पदों का योग क्या होगा, तो S2 निकालना है, उसके बाद दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, S2 घटा S1 कर देंगे, जैसे अभी 2 है 4 है 6 है, दो दो का डिफरेंस में अगर हम कहते हैं S2 निकल गया, S2 कितना निकला, S2 निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा ना, टोटल 6 हो जाएगा, 6 हो गया तो आपको S2 पता चल गया 6 है, S1 कितना है, S1 आपको ये है 2 है, तो S2 ये है, तो अभी इसमें S2 घटा S1 करिएगा तो S2 कितना है, 6 में से अगर 2 माइनस करिएगा तो 4 हो जाएगा कि नहीं, तो सेकेंड टर्म क्या है 4n है, इसी तरह निकालना है। तो ये प्रथम फर्स्ट टर्म आपको पता है प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है, दूसरा पद फिर निकालना है, इसी प्रकार तीसरा टर्म निकालना है A3 निकालना है, उसके बाद दसवां टर्म निकालना है तो A10 निकालना है दसवें पद, और उसके बाद क्या निकालना है nवें पद, यानी an का nवें पद an निकालना है। क्या सब निकालना है आपको फिर से एक बार बता देते हैं,
निकालना है आपको ए निकालना है या एस वन निकालना, एक ही बात है, एस टू निकालना है, फिर क्या निकालना है, ए टू निकालना है, ए थ्री निकालना है, ए टेन निकालना है और ए एन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 निकालना, इतना आपको निकालना है। चलिए इंग्लिश में देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n-n² यानी ए पी का आपको दे दिया गया है ये एन पदों का योग, एस एन बराबर आपको दिया हुआ है। कहते व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा एस वन, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स निकालना, व्हाट इज द सेकेंड टर्म एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द एंथ टर्म्स। ठीक है, अभी हम फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है हल, एस एन का वैल्यू क्या है, एस एन बराबर 4n-n² है, एस एन बराबर क्या 4n-n² है, ये 4n-n² है। ठीक है, पुट n बराबर 1, n बराबर क्या है 1 है, तो कह रहा है कि यहाँ पहला पद फर्स्ट टर्म क्या है a1 बराबर s1, यही क्वेश्चन में दिया है, सॉरी यही क्वेश्चन दिया है फर्स्ट टर्म, यानी आपको दिया है एस एन बराबर, एस एन में क्या है 4n- इतना दिया गया है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, पहले एक रख लेते हैं, n के जगह पर एक रख लेंगे तो क्या हो जाएगा एस वन हो जाएगा, यही ना एस एन है तो एस वन निकलेगा कि नहीं, एस वन निकलेगा तो क्या फार्मूला है, फोर है तो फोर लिख दीजिए, एन के जगह पर क्या लिखना है वन रख दीजिए, फिर एन स्क्वायर है तो एन के जगह पर क्या लिए वन लिए है ना, तो वन का स्क्वायर कर दीजिए, साइन जो था बीच में माइनस का था माइनस यहाँ भी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी इस पर जो है पुट करना है वन का, एन के जगह एन के लिए वन का वैल्यू पुट करना है, रखना है, क्या हो जाएगा 4 और एक को गुना करिए तो 4 ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 4 में से एक ज्ञात कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ देखिए 3 है। अब फिर क्या निकालना है, S2 निकालना है, क्या निकालना है S2, तो S2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, N2 निकालना होगा, नहीं निकालना होगा, n बराबर 2 लेना होगा तब ना S2 होगा, n के जगह 2 ले लीजिए, यहाँ 1 लिए थे यहाँ 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 8 में से 4 × 2 = 8 में से क्या चला जाएगा, 8 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको S2 भी निकल गया, आपको बताए थे S2 घटा S1 करते हैं तो क्या निकलता है, सेकेंड टर्म निकल जाता है, A2 निकल जाता है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है A2 बराबर S2 घटा क्या लिखे S1 लिख दिए, S2 घटा S1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 कितना आया था 4 आया था, S1 कितना 3 आया था, 4 में से 3 गया कितना हुआ 1 हुआ, यानी आपको क्या सब निकल गया, आपको S1 कहिए, बताए थे S1 कहिए या A1 कहिए, एक ही बात है, तो यहाँ S1 निकाल लिए हैं, S1 है ना, फर्स्ट टर्म A1 निकालिए या S1 निकालिए, तो कितना होगा 3 होगा, तो आपको A1 पता चल गया, A1 कितना पता चला 3 है, A2 कितना पता चला 1 चला पता, तो A और A2 पता चल गया। S3 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे S3, तो S3 कहाँ गया आपका, यहाँ देखिए सेकेंड टर्म निकाल, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ देखें यदि आपको AP पता चल गया 3 1, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, अगर ए वाला और आपको पता चल गया 3 है तो डी कैसे निकालिएगा, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से 3 को माइनस करेंगे कि नहीं, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस डी भी निकाल लिया गया, तो यहाँ क्या इतना हो गया 1 में से -3 गया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो गया a+2d, तो a कितना दिया गया है, ये आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था A1 निकालना था या S1, तो वो तो निकल गया, आपको निकालना था A2 यह भी निकल गया, आपको निकालना था S2 यह भी निकल गया, S2 भी निकाल लिए, यहाँ A2 भी निकाल लिए, S2 भी निकाल लिए और S1 भी निकाल लिए, तो इतना तो आप निकाल लिए, अब आपको निकालना A3 निकालना, A10 और AN निकालना, यही निकालना है ना, तो A3 कितना दिया है, A3 बराबर फार्मूला होता है A+2d, A कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिख लीजिए, और D कितना दिया था माइनस का 2, अभी निकाले थे कॉमन डिफरेंस, तो 2 × -2 निकाल दिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 और 2 × 2 = 4, 3 में से 4 गया माइनस 4 गया तो कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो A3 भी निकल गया। A10 कैसे निकालेंगे, तो A+9d हो जाएगा, तो A कितना है 3 है ना, A बराबर यहाँ 3 दिया हुआ है कि नहीं, और 9d है तो 9 × -2 हो जाएगा, 9 2 जाएगा कितना होता है माइनस का 18, माइनस 18 3+ है तो 3 − 18 में से 3 चला जाएगा, कितना होगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो A3 A10 निकल गया, अब निकालना AN, क्या निकालना है AN बराबर क्या हो जाएगा SN − SN − 1, ये AN कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे AN का फार्मूला जो है
निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो प्रति पहला जो Sn जितना है उसमें से Sn माइनस वन को माइनस करना है, यही तो करना है, Sn में से Sn माइनस वन करना है। तो कैसे करेंगे आपको हम बता देते हैं। Sn का फॉर्मूला, Sn कितना दिया है, Sn का वैल्यू दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और फिर Sn कितना दिया है, तो Sn दिया है, यहाँ Sn है कि नहीं, यहाँ Sn है, तो आपको पता है Sn का वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम आपको इसके विषय में समझा दूं, तब इसके विषय में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते थे अभी इस अभी जो निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, अभी हम निकाल रहे थे A2, जब निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, S2 घटा S1 किया था, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए दो दिया है, यहाँ क्या दिया है, S1 हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ मतलब ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते, S2 है ना घटा, यहाँ लिख सकते हैं S2 घटा 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, दो में से एक ज्ञात कितना हुआ, एक हुआ। तो A2 निकालने के लिए हम S2 घटा 1 लिख सकते हैं इस तरह से, उसी तरह से अगर A2 के लिए लिख सकते हैं तो An के लिए क्या लिखेंगे, अगर हम आपको कहते हैं An के लिए क्या लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो Sn तो लिखेंगे ही ना, माइनस करेंगे Sn, ये जो n लिखे थे इसमें से दो घटा एक किए थे ना यहाँ, तो n माइनस वन कर सकते हैं कि नहीं, तो ये कर सकते हैं। Sn का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ, 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब n n जहाँ है आपको जो n है n के लिए कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया है ना, तो n के जगह पर आप 4n माइनस n स्क्वायर का जो वैल्यू पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे यहाँ दिखाते हैं। यहाँ तो n के जगह पर आपको क्या रखना है, n माइनस वन रखना है, n के जगह पर क्या रखना है, n माइनस वन। देखिए यहाँ क्या रखा गया, ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन किए ना, तो पहले सबसे पहले एस एन का जितना वैल्यू है वो रख लीजिए, ठीक है, रख लिए। उसके बाद क्या है, यहाँ फोर है तो फोर लिख लीजिए, एन के जगह पर यहाँ एन लिए थे एन, लेकिन इसमें एन के जगह पर क्या लिए, एन माइनस वन लिए हैं, ठीक है, तो एन माइनस वन लिए हैं तो एन माइनस वन ले लीजिए, यहाँ भी क्या ले लेंगे, एन माइनस वन ले लीजिए एन के जगह पर। फिर एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर का जगह पर क्या, एन के जगह पर क्या लेना है, एन माइनस वन लेना है, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो होल स्क्वायर कर दिए, तो फोर एन माइनस एन स्क्वायर में से आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है आपको, माइनस करना है, इतना को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, अब तो इतना समझ में आ गया, इसमें क्या करेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर जैसे लिख दीजिए, माइनस जैसे लिख दीजिए, 4 को n से मल्टीप्लाई कीजिए, 4n हो जाएगा, 4 को 1 से कीजिए, माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस b का, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर होता है ना माइनस 2ab होता है, प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो आपको तो यह लिखना नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको लिखना क्या, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, एक बार इसका या 2ab करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस क्या होगा 1 होगा, n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 लिख लिए। यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, अब माइनस यहाँ जो दिया हुआ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4n n माइनस n स्क्वायर में से 6 4n और यहाँ क्या है 2n है, 2n है, तो क्या कर दीजिएगा, 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, 6n में से क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस करिए 4, यहाँ क्या है आपको दिया 4 भी दिया है, माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या सब बस हो गया 6n हो गया, उसके बाद माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 5 हो गया। अब क्या करना है, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो 4n है माइनस n स्क्वायर है, अब माइनस से 6n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6n हो जाएगा, माइनस माइनस को करेंगे तो माइनस प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4n है और यहाँ कितना n है 6 माइनस 6n है, तो 4n में से माइनस 6n चला जाएगा तो माइनस का 2n अब 5 बचा, तो 5 माइनस 2n हो जाएगा, यानी आपको अगर कह दे an बराबर फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा आपको 5 माइनस 2n हो जाएगा, तो an भी फाइंड हो गया, तो क्या सब निकालना था आपको, a1 निकालना था निकल गया, a1 या s1 बराबर 3 निकला था, उसके बाद a3 निकालना था a3 भी निकल गया, s2 भी निकालना था s2 भी निकल गया, यानी S2 भी निकाल लिए, A3 निकालना था, A10 निकालना था, AN निकालना था, ये भी निकाल गए, और उसके बाद जो है S2 भी निकालना था और A2 भी निकालना था, सब निकाल लिए, ठीक है, जो जो कहा निकालने के लिए निकाल लिए। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी डिविजिबल बाय 6 करना है आपको, ठीक है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 40 धन पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 6 से विभाज्य जो संख्या है डिविजिबल बाय 6 जो है क्या है, 6, 12, 18, 24 हो जाएगा, यानी 6, 12, 18, 24 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये सब क्या है, 6 से डिविजिबल है यानी 6 से भाग लग जाएंगे इसमें। तो ए पी बन गया आपका, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो गया, डी बराबर 6 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। एन कितना पद का कहा, 40 पदों का ना, तो एन बराबर 40 हो गया, एस एन निकाल देना, फॉर्मूला एस एन का तो आपको आता है, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाय 2 × 2a + n − 1 × d। एन कितना है, 40 दिया था, 40 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2a, a कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ 6 लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है, एन कितना दिया है, एन 40 दिया था, 40 लिख दीजिए, माइनस 1 कीजिए, d कितना दिया है, d दिया 6, तो 6 लिख दीजिए यहाँ भी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो 20 2 से भागा दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, उसके बाद 6 दुना 12 हो गया, उसके बाद 40 में से गया तो 39 गुना 6 हो जाएगा, लिख लिए यहाँ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 तो लिखेंगे ही, 20 लिख लिए, 39 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 12 को रख देंगे यहाँ, 12 और 234 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 234 को जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा, 20 तो है ही है, इसको गुना कर देंगे टोटल को तो 420 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है और उस नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इस सॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर के, या किताबी प्रॉब्लम जो आपके बुक्स में दिया गया है उनके उन प्रॉब्लम को लेकर के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग जो है ना इसके आगे 12 से आगे जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Peace.